Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Have you enjoyed Diwali vacation? Very good. Okay, now let's come back. पढ़ाई भी करेंगे ना हम? Okay. तो start करते हैं आज के इस video में. ठीक है बच्चों? क्लास थ्री सब्जेक्ट मैथ्स में हमारी जो कंटिन्यू एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4B, ठीक है? तो जो बाकी है वो हम सीखेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 है मल्टीप्लाई. आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन आते ही है, लेकिन ये जो है टेबल ऑफ 8 के ऊपर डिपेंड है. 38 मल्टीप्लाई 8, सो 8 8s are 64, 6 कैरी, 8 3s are 24, 24 के अंदर प्लस 6 हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 30. तो 38 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल 304. हमारा जो नेक्स्ट है मल्टीप्लाई वो है 93 मल्टीप्लाई 8. 8 3s are 24 टू कैरी ओवर ऑन 9. 8 9s are 72 एंड 72 प्लस 2 इज इक्वल 74. आंसर इज 744. 93 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल 744. 47 मल्टीप्लाई 8. 8 7s are 56 कैरी 5. 8 4s are 32. 32 प्लस 5 इज इक्वल 37. सो आंसर इज 376. 47 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल 376. हमारा जो नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7A. देयर आर 8 बॉटल्स इन अ कर्टन. हाउ मैनी बॉटल्स आर देयर इन 12 सच कर्टन्स. एक कर्टन के अंदर 8 बॉटल है, तो ऐसे 12 कर्टन्स है, तो उसके अंदर बॉटल्स कितनी होगी? तो हम जब बार बार रिपीट करना होता है एक ही नंबर को, तो हम उसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं. तो 12 मल्टीप्लाई 8 करें तो 8 2s are 16, कैरी 1, 1 8s are 8, आंसर और प्लस 1 करें आंसर आएगा 96. सो 12 8s are 96. आपको 12 की टेबल आती है तब डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 12 8s are 96. सो आंसर इज 96 बॉटल्स. टोटल कितनी बॉटल्स होगी? 96. समझ में आ गया बच्चों? और ये जो सारा वर्क है वो आपको मैथ्स की नोटबुक के अंदर करना है. ठीक है, आज के होमवर्क में जो B1 है वो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ. ये आपको खुद ही सॉल्व करना है. जैसे हमने पहला वर्ड प्रॉब्लम किया सेम वैसे ही है. ठीक है, डिजिट चेंज है. देयर आर 20 बटन्स इन अ पैकेट. हाउ मैनी बटन्स आर देयर इन 8 सच पैकेट्स. अब आपको ये सॉल्व करना है नोटबुक के अंदर. ठीक है बच्चों, थैंक यू.